हेलो विद्यार्थियों, चौनीस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 7 नीति के दोहे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगी। इसी क्रम में हम देखते हैं अति लघुतरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, हीरा कभी यह नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छांटकर लिखिए। उत्तर में देखेंगे, रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरा मोल। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखें, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है। तो इसका उत्तर भी देखें, तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से की है। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व को करतार, संत हंस गुण गाई पहे परिहरि बारी विकार। इसका उत्तर देखें, अर्थ देखें, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दो रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में देखें, प्रश्न क्रमांक 4, कबीरदास ने बुराई करने वाले के लिए क्या कहा है। तो कबीरदास ने बुराई करने वाले को निकट रखने को कहा है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कविवर वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार मामूली रस्सी के कुएं के पत्थर पर निरंतर आने जाने ऊपर नीचे होने पर अर्थात घिसने पर से पत्थर तक घिसने लगता है, अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से मूर्ख मनुष्य भी चतुर व गुणवानी बन सकता है। तह मनुष्य को किसी भी कार्य में वांछित सफलता की प्राप्ति के लिए हमेशा हमेशा सतत प्रयास निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। इस कविता से हमें यह भाव उत्पन्न होता है कि हमें अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, रहीम जी ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया। उत्तर देखेंगे, जड़ को सींचने से वृक्ष के अन्य भागों की देखभाल नहीं करनी पड़ती है, वे खुद ही सद जाते हैं। इसका भावार्थ मतलब ये है। अगले प्रश्न देखिए, दीर्घोत्तरी में प्रश्न क्रमांक 7, नीति के दोहे में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई है खोजकर लिखिए। उत्तर देखिए, नीति के दोहे में अनेक नीतिगत बातें कही गई है। देखिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा बोलना और ज़्यादा चुप तकलीफ दे सकता है। वृक्ष की तरह परोपकार करना चाहिए। हमें खुद की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। लगातार प्रयास हमें उस कार्य से में निपुण बनाता है। मनुष्य का तन मन में जैसा वह सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। मूल्यांकन 5 देखिए, इसी के अंतर्गत अति लघुत्तरी प्रश्न, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे। इस पंक्ति के लिए दोहे में से उचित पंक्ति छांटकर लिखिए। उत्तर में देखें, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं। इसका उत्तर लघुत्तरी प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9, घाग और भड्डरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। उत्तर देखिए, जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले तो वर्षा होने की संभावना होती है। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोहे से कोई एक दोहा भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो देखिए कविता, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोज ना आप ना मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार के बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला, परंतु जब अपने अंदर झांका अपनी अंतरात्मा में खोजा तो मुझसे बुरा नहीं कोई इस संसार में मिला। इस प्रकार हमारा यह नीति के दोहे पाठ को के कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखा गया। धन्यवाद।